कर लूंगा कोई बात नहीं, और नैनीताल में टी बन टॉप, और अन्य वहाँ घोड़ा भी जाता है हॉर्स राइडिंग, 810 रुपए घोड़े के हैं। हॉर्स राइडिंग हमें करनी नहीं है, पैदल घूमने पास, पैदल घूमने ना, तो वो कल करोगे तो मैं जाऊँगा, कल को वेट करूंगा, तुम जाओगे? हाँ हाँ कल जाना है ना, गौर सी सीट लैंड सैंड 12 पत्थर से मैं बता दूंगा तुमको, तो कल नंबर से पॉइंट से अंदर को जहाँ घोड़े चलते हैं कल। हाँ और यहाँ जहाँ जा रहे हैं यहाँ एडवेंचर लेक क्रॉसिंग है, रस्सी द्वारा आर पार लेक क्रॉसिंग होगा और पैराग्लाइडिंग होगा, अगर पैराग्लाइडिंग का शौक है तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो आज। तो सर क्या चार्ज है पैराग्लाइडिंग? अन्य पैराग्लाइडिंग कहीं नहीं है, 1500 रुपए पर हेड होता है उसके, वही चार्ज होता है। 1000 था पहले? ना ना 1500 फिक्स रेट होगा। 1500 लड़कियों के लिए? वो ज्यादा नहीं, लड़कियों के लिए नहीं है सर, 1500 रुपए फिक्स रेट है सर उनका, लेकिन है एडवेंचर बहुत बढ़िया है वो भी। जानवर दिखते हैं दादा कि नहीं? जानवर ना, जानवर वहाँ दिखेंगे कल को, अगर डिपेंड ऑफ दौड़ सी सीट जाओगे तो हिरन के बच्चे वगैरह जू में ना, जू में तो कस्टडी वाला जानवर हुआ, जू क्या है, फौड़ी का जू नहीं है, कोई जू है नंदाल का। क्या जानवर दोनों अलग अलग जू दो तुम्हारा एक साथ दर्शन मिले यहाँ जाता तो टूरिस्ट प्लेस एरिया है, यहाँ जान मिलेगा लेकिन नुआर नहीं मिलेगा। लखनऊ का चिड़ियाघर देखो, कानपुर का देखो, यहाँ क्या चिड़ियाघर, आदमी वैसे ही थक जाता है, दो दिन बाद खोले उसमें कुछ है थोड़ी हो बजट भी हो ना दादा, जिसने पूरा चिड़ियाघर घूम लिया, 2 साल प्लान रहता था तब जाके 2 दिन की छुट्टी मिली। और वीडियो नहीं बनाएगा, तीनों पैरा के लेने करोगे 1500-1500 रुपए तीनों के, और नीचे कैसेट बनेगी, कैसेट को आप लेना भी चाहते हो ले लेना, उसका चार्ज अलग से, उसका अलग कैसेट वाला अलग, वो अलग 500 का था, लेकिन मैं अपने कस्टमर से कहता हूँ 200 से ऊपर मत देना सारे को, दे देता 200 में भी, क्योंकि उसके किस काम की हो, अगर ले ली 200 में भी आपने ठीक है, नहीं ली तो ठीक कर देता था, वो बनना ही है, वो दूसरा हुआ। और हमने बारी बारी से अपने भी कर सकते हैं वीडियो, तो वैसी बन जाती है, हमारे साल में एक बार आना होता है, लगता है कि हम नैनीताल आए घूमने। अच्छा नहीं, हम नजदीक बरेली आ रहे हो लखनऊ से, मैंने कहा चलो हुआ क्या है, 100 किलोमीटर है हल्द्वानी तो काशी लगाना। अब जब आपने कहे जी धाम को जो छाट छाट के 3 मंदिर सुने, मैं समझ गया था, मैंने कहा भैया लोग पहले इसका मतलब दर्शन कर चुके हैं गोलजी के, ये गोलजी के दरबार की घंटी है, घंटी वाला ही मंदिर है वो, साक्षात शक्ति बहुत जबरदस्त गोलजी का, तो यहाँ पर आम लोकल गाड़ी में भी देखो जाए गोलदेव जाए दिखा हुआ, गोलजी की बड़ी शक्ति है उत्तराखंड ऑलरेडी सेकेंड टाइम ही देवभूमि, इसीलिए है जो भी मंदिर है, हर मंदिर यहाँ पर सबकी पीठ ही है ज़्यादा। नैनीताल में आपने होटल बुक कर रखा है? हाँ हो गया सर। नहीं कौन सा होटल है, मेरे होटल का तो नाम बताओ। वो हमारे होटल से बुक हो जाएगा। हो जाएगा या हो गया? हो जाएगा तुरंत बुक। अच्छा हम लोग होटल इंडस्ट्री सही है, होटल में ही जॉब करते हैं हम लोग, तो देख लीजिएगा होटल सही होना चाहिए, वो में आनी उल्टा भी फंसा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोने कोने फंसे था कहने का मतलब है, लेकिन आजकल तो रस कम है, आजकल तो तुम्हें 800-1000 में मालरोड में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया 3 बेडरूम मिल जाएगा सर, 800-1000 में मालरोड टच देखते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यह है मेन चीज़, बड़ा उल्टा मतलब इसमें एडिटिंग करेंगे बाद में, गाना पुट अप करेंगे दादा, गाना चलेंगे थोड़ा। हाँ गाना बताइए दादा, गाना अलावी नहीं है? अरे ऐसा ना कहिए, पिछले साल तुम्हें आया था गाना सब बजा, इस साल भी तो बजा रहे बजाने वाले पब्लिक तो सीधे 5000 की, क्यों बीसी खंडूरी ने नहीं कर दिया था साला, बीसी खंडूरी नहीं है बीजेपी वाला, जब मुख्यमंत्री आर्मी का जनरल रिटायर में 2 बार लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, आप सोचोगे रीजन में बताऊँ, हिल का चक्कर ही, अब मुझे तो आज सर में 89 से गाड़ी चला रहा, मुझे 30 साल हो गए, मेरी वजह से आप खाओ पियो नाचो कूदो, मेरी नजर रोड में ही रहेगी, ठीक है ट्रेवलिंग पे आपकी सीनियर है हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे कुछ करो, लेकिन मैंने लड़कों का ध्यान पहाड़ में डाइवर्ट हो जाता है, ये एक्सीडेंट चढ़ा है 2 बार लिखा है उसमें, यह कर दो रेलवे स्टेशन भाई हो राइट साइड देखो, खटिमा खटिमा से सीधे सीतापुर से निकल जाता है, बैक साइड मैं हल्द्वानी रेंट में रहता हूँ साहब, जो बात है साहब है यहाँ झूठ कहने की आदत नहीं है, क्या फायदा मैं आपसे कहता हूँ हल्द्वानी में तो मेरी 10 कोठियाँ हैं, ऐसा नहीं है, जो बात है साहब है।
इस गांव में ऊपर टॉप पर, बहुत प्यारा गांव, बड़ी प्यारी लोकेशन। दिल्ली वालों ने तो वहाँ रिसोर्ट विसोर्ट बना दिया बेहिसाब। वो तो मोदी जी ने जरा नोटबंदी कर दी, वरना वहाँ तो पूरा गाँव ही खरीद देते दिल्ली वाले। अच्छा, यहाँ आप लोग खरीद नहीं सकते? आप खरीद सकते हो, लेकिन पहले मना था, अब लिमिट हो गई, एक नाली ले सकता है आउट ऑफ उत्तराखंड। हिमाचल में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। नहीं तो पहाड़ों मिलेगा फिर? आप हाँ ना, आप कहीं डायरेक्ट मिलेगा फिर? कहीं भी ले लो उत्तराखंड में, नाली सिस्टम, एक नाली बराबर 2160 स्क्वायर फीट बराबर 206 गज, बहुत होता है। 2160 स्क्वायर फीट कितने पड़ेगा? 2160 स्क्वायर फीट कितने पड़ेगा? लोकेशन के हिसाब से फिर भी आइडिया मिनिमम। जैसे ये मेन हाईवे की टच रोड में लोग हैं, ये बैठेगा आपको 15-20 फुट, बिजली पानी सब मिलेगा। ऐसा थोड़ी है उत्तराखंड तो इन चीज़ों में तो सबसे आगे है। उत्तराखंड में तो खुद अपने प्रोजेक्ट हैं बिजली का, तो यहाँ अगर 4 मकान भी हैं किसी गांव में तो उसमें बिजली उसमें भी मिलेगी। उत्तराखंड में तो खुद अपने प्रोजेक्ट है ना। यहाँ तो सोलर बहुत ज़्यादा फोकस है, सोलर पे, सोलर का भी काम कर चुका हूँ ना मैं गुड़गांव में। अच्छा, ये राइट साइड पे है गोला नदी, ये आती है छोटा कैलाश पर्वत से। राइट साइड देखिए भाई, वो आती है छोटा कैलाश पर्वत से। गाड़ी यहाँ रोक सकते हैं? रजिस्टर्ड जगह है, गाड़ी रोकूंगा आगे देख के। तुम लोग अगर उतरना चाहो यहाँ उतर लो, क्योंकि व्यू यहीं से आता है इसका। आराम से पीछे जाना, आगे कोई नहीं।